चलते हैं अपने घटनाचक्र की अगली कड़ी पर। आपका जो एग्जाम होने वाला है साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं घटनाचक्र दृष्टि का। बहुत बेहतरीन साथियों, इसके पहले साथियों हम लोग 4 टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लिए हैं इस घटनाचक्र की, और हम लोग पांचवी टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं। साथियों मैं आपको बताया था कि ये पांचवी टेस्ट सीरीज में साथियों हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे। इसका एक पार्ट में पांचवी टेस्ट सीरीज फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि इसमें 70 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, 150 प्रश्नों की हमारी ये टेस्ट सीरीज है। तो मैंने आधा बनाकर बोला था कि आधा मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा, तो यही मैं दूसरा पार्ट इसका बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 150 तक हमारा ये चलेगा, बहुत बेहतरीन होगा साथियों। इसमें आपको एक से बढ़कर एक फैक्ट मिलेंगे, एक से बढ़कर एक कंसेप्ट मिलेंगे, और जरूरी बात जो है आप लोगों को घटना चक्र के बारे में मालूम होगा, घटना चक्र कितनी विश्वसनीय और भरोसेमंद जो है ये एक इसकी कंटेंट होता है। तो आज की हमारी ये जो घटना चक्र की टेस्ट सीरीज पांचवी टेस्ट सीरीज है, पांचवी टेस्ट सीरीज का ये सेकेंड पार्ट ये जीएस का है साथियों। सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्न सामान्य अध्ययन के हैं, और बात मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यही पांचवी टेस्ट सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे थे पिछले वीडियो में, और पार्ट 1 सॉल्व कर लिए थे, इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 से 150 तक। साथियों बहुत बेहतरीन होगा इसमें आपको, खास बात मैं इसकी खासियत टेस्ट सीरीज 1 जब सॉल्व करवा रहा था तभी से बताते चला हूं कि बहुत ही बैलेंस तरीके से साथियों इसकी टेस्ट सीरीज को बनाया गया है, इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया है। बैलेंस का मतलब यूं कहें कि जितने भी लोक सेवा आयोग में जो कोर क्वेश्चन होते हैं, जो सभी लोक सेवा आयोग में हमेशा पूछे जाते रहते हैं, ऐसे कोर प्रश्नों को रखा गया है जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक होती है, ऐसे प्रश्न, और दूसरा ऐसे प्रश्न है जो करंट मुद्दों से जोड़कर बनाया गया है। इस समय जो करंट मुद्दे हैं उसी मुद्दों से जोड़कर आजकल जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको जीएस के प्रश्नों को करंट के मुद्दों से जोड़कर बनाया गया है। तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा साथियों, अगर सच में आप लोग यूपीपीसीएस का आपका लक्ष्य है, और यूपीपीसीएस ही नहीं साथियों, जैसे यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, अन्य लोक सेवा आयोगों के लिए बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा ये। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा गया साथियों, आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो इससे होता क्या है कि आजकल जो है बच्चों में ना कि शॉर्ट वीडियो देखते देखते उनकी जो है पेशेंस बहुत कम होती जा रही है, वो अच्छी चीजों को पसंद नहीं करे। आप सोच कर देखिए, घटना चक्र की टेस्ट सीरीज है, वेल बैलेंस तरीके से बनाई गई, इसको मैंने अपने घर पर नहीं बनाया है, उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो साथियों देखिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 तक पहुंच गए थे, क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे, हम लोग 71 से सॉल्व कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, बहुत एक से बढ़कर एक आपको फैक्ट मिलेंगे जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ आपको पहाड़ियां दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो किस राज्य में कौन सी पहाड़ियां हैं, इसी को आपको मिलाकर विकल्प में जो सेट बन रहा है उसी को बता दीजिए। ऐसे प्रश्न साथियों आजकल आप लोग एक चीज गौर किए होंगे, ये जो मैचिंग वाले सवाल है साथियों, मैचिंग वाले सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं हर एक एग्जाम में। तो देखें यहां पर साथियों, हमें मालूम है, यहां देखें डालमा ये जो कहां है, झारखंड में है साथियों, बिल्कुल सही, ये डालमा झारखंड में है, और गारो तो आप लोगों को मालूम है ये मेघालय में है, गारो जयंतिया ऐसे करके आप लोग पढ़े होंगे, ये गारो मेघालय में है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है, और एक कोल्लई मलाई ये तमिलनाडु में है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सेट तैयार हो रहा है मेरे भाई, देख लीजिए, ए वाला 1 पर जाएगा और डी वाला 4 पे जाएगा, तो यानी हमारा या तो ये होगा या तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अब देखते हैं कौन, सी वाला जाएगा 2 पर, सी वाला 2 पर और डी वाला 4 पर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा तैयार हो रहा है, यही हमारा सेट बन रहा है। बहुत बढ़िया साथियों, आप लोग इसको कहीं नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करिए, आपको जो है दोहराने में काम आएगा। तो चलते हैं हम लोग साथियों अगले प्रश्न पर। देखें साथियों, कुछ भी होता है हमें शुरुआत करना पड़ेगा, हमें अपने जो है बंधन में हम जो बंधे हुए हैं उससे आगे निकलना पड़ेगा, अपनी सोच को ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि साथियों कहीं पर पहुंचने के लिए, जैसे हमें यहाँ पहुंचना है तो सबसे पहले कहीं पर पहुंचने के लिए हमें कहीं से निकलना जरूर पड़ेगा, जब तक हम कहीं से निकलेंगे नहीं तब तक हम कहीं पहुंच नहीं सकते।
तो पहुंचना हमें है तो निकलना भी हमें पड़ेगा साथियों। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं अपना 72 क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या है साथियों। देखें क्या कह रहा है इसमें 72 में, भारत में कोई भी राजनैतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा कोई भी राजनीतिक पार्टी कम से कम चार राज्यों में, कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तर का दल प्राप्त हो चुका है उसे, तो उसे जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे बीएसपी है अपने यहाँ, तो बीएसपी, तो बीएसपी क्या है, चार चार या चार से अधिक राज्यों में अब तक जो है राज्य स्तर का दर्जा उसे प्राप्त था, इसलिए वह राष्ट्रीय पार्टी कहलाती थी। लेकिन अब कई सारे चार राज्यों का अब जो है वो राज्य स्तर का दल नहीं रह गई है बीएसपी, अब उसे चर्चा में आई है फिर कि इसको जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा इसका खत्म किया जाए। तो चार राज्यों में कम से कम राज्य स्तर का जो है उसे दल होगा तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ और वोट प्रतिशत के हिसाब से भी होता है, सीट के हिसाब से भी होता है, वो हम लोग डिटेल में कहीं और बात कर लेंगे। फिलहाल जो राज्य स्तर का दल होगा होता है वो चार राज्यों में होगा तभी राष्ट्रीय दल बन पाएगा। आगे देखें साथियों हम लोग 73 में क्या करा है, इसमें भी मैचिंग का सवाल है साथियों। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर इसको करके देखते हैं, बड़ा दिखाई आपको दे, देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखें एक सूची दिया है, सूची में हमें कुछ धातुओं के गुण दिया है और दूसरी सूची में धातु दिया है, तो किस धातु का कौन सा गुण है उसे हमें मिलाना है। तो मेरे भाई क्या कह रहा है इसमें, उष्मा का यहाँ क्या कह रहा है देखिए, उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या होता है। तो उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक साथियों चांदी होती है, सिल्वर। आप लोगों को मालूम होगा सिल्वर जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत तेजी से पास करती है, तो ये हो गया। और देखें हम लोग क्या होता है यहाँ पर, और एक है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है, एल्युमिनियम है, और सबसे लचीली धातु जिसे पीट कर बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है वो है सोना साथियों, आप लोग को मालूम होगा ये। और उष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा होता है। तो ये सब चीजें आपको मैंने बता दिया, तो इस हिसाब से आपका कौन सा सेट तैयार हो रहा है, ए वाला जाएगा हमारा चार पर, तो ए वाला चार पर केवल हमारा इसमें है डी में है, तो यही डी हमारा होगा। बी वाला तीन पर जाएगा, सी वाला एक पर और डी दो पर, यही हमारा सेट तैयार हो रहा है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम लोग 74 में, देखे साथियों 74 में क्या दे रहा है हमें, इसमें क्या पूछ रहा है हमें, कह रहा है कि भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, बहुत बेहतरीन सवाल है साथियों, आपके कई सारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो एक चीज याद रखिए, भौतिकी मतलब फिजिक्स, फिजिक्स पी से आता है याद रखिए। तो इनका जो नोबेल पाने वाले तीन लोग हैं उनका नाम भी पी से है, एक पियरे अगस्टिनी फेरेंक क्राज और एन लुहिलियर, यानी पी एफ और ए से नाम है, पी एफ ए, तो ऐसे ही नाम रख लीजिएगा यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा, यही तीन लोगों को फिजिक्स में यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। और आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है 75 में साथियों हमसे पूछ रहा है ये कि निम्नलिखित बहुलकों में किसका उपयोग ना चिपकने वाले कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। साथियों आप लोग देखे होंगे आजकल जो कड़ाही आ रही है वो उसमें न चिपकने वाली वो जो कड़ाही के निर्माण किया जाता है वो बहुलक से किया जाता है। किस बहुलक के साथियों, टेफलान नाम का एक बहुलक होता है जिसका एक अलग नाम होता है साथियों, उस अलग का नाम आप लोगों को मालूम होगा, क्या नाम होता है साथियों उसका, PTFE, टेफलान का एक दूसरा नाम है, टेफलान तो एक प्रचलित नाम है, इसी टेफलान का एक दूसरा नाम है PTFE, इसका जो फुल फॉर्म होता है पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, तो ये होता है, इसको याद रखिएगा कहीं आपसे दोनों नाम पूछ सकता है। तो ना चिपकने वाली कड़ाही निर्माण किया जाता है टेफलॉन का। 76 में देखते हैं हम लोग क्या है इसमें साथियों, कह रहा है अक्टूबर 2023 में नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 से बढ़कर कितनी हो गई। तो अभी तक साथियों अक्टूबर के पहले नवरत्न कंपनियां जो है वो 14 थी,
लेकिन अक्टूबर के बाद वित्त मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी किया बताया कि वो दो और बढ़ गई है, 16 हो गई है। विकल्प नंबर जो है ये हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यही हमारा उत्तर होगा। वो दो ठो कौन है साथियों, रेल कंपनियां हैं, रेल से जुड़ी हुई हैं। एक क्या है साथियों हमारा, आप लोग जानते हैं इरकॉन, IRCON, एक इरकॉन है और एक है हमारा राइट्स लिमिटेड, RITES, राइट्स लिमिटेड है। यही दो कंपनियां और शामिल हुई है नवरत्न में, तो नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 हो गई। आगे देखें तो ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने बताया। आगे देखें 77 में क्या है हमारा, देखें 77 में हमसे पूछा जा रहा है साथियों, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करें। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसे आप पकड़िए, तो जो सही नहीं होगा उसी को आपको पकड़ लेना है मेरे भाई। तो यहां पर देखिए, पहला आप पढ़ेंगे लॉर्ड कार्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त लेकर आया था साथियों ये लॉर्ड कार्नवालिस 1793 में, ये बात सही है, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। तो गलत देखें लॉर्ड वेलेजली, सहायक संधि से संबंधित है, आप लोगों को यह भी मालूम होगा लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। और लॉर्ड हेस्टिंग कह रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो मेरे भाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग नहीं था, ये गलत हो जाएगा। तो यही गलत ही हमारा उत्तर होगा क्योंकि गलत हमसे पूछा है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1829 का 17वां रेगुलेशन जो है लाया था, तो ये भी सही है। तो यानी सब सही है, यही सी गलत था, लॉर्ड हेस्टिंग। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तो हुआ था ये कब हुआ था, तो इसमें हमसे कह रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध साथियों हमारा ये 77 बहुत बेहतरीन साथियों, इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो नीचे चार विकल्प दिए गए हैं, एक गलत सुमेलित किया गया, उसी गलत को आपको पकड़ लेना है। तो पहला आप जब पढ़ेंगे लॉर्ड कार्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त लेकर आया था, यानी अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित है। लॉर्ड वेजली जो है वेलेजली, ये सहायक संधि इससे संबंधित है, सहायक संधि प्रणाली लागू किया था, ये भी सही है, लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। तो गलत यहाँ छिपा हुआ है, लॉर्ड हेस्टिंग साथियों यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है, यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जानते हैं साथियों 1817 से 1818 के बीच हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें पेशवा की जो है जो पेशवा वाले पद को समाप्त कर दिया गया था। तो यही होगा, ये द्वितीय में नहीं है, तो द्वितीय में साथियों कौन था, यहाँ पर द्वितीय में यही था लॉर्ड वेलेजली ही था, तो यहाँ पर ये गलत हो गया हमारा, सी हमारा यही पर उत्तर होगा। क्यों गलत था, कि लॉर्ड हेस्टिंग नहीं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से, लॉर्ड वेलेजली था। तो आगे चलें, अब आपसे अगर कहीं पूछे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था, अगर डेट को आपको अगर कहीं पूछ लेता है तो मेरे भाई 1803 से 1805 डेट भी याद रख लीजिए। 78 में हम लोग देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है साथियों 78 में, तो देखें 78 में हमसे ये कह रहा है, एक तरफ समाचार पत्र दिया है और दूसरी तरफ संपादक दिया है, किस समाचार पत्र का संपादक कौन है उसे मिलाकर विकल्प में सेट जो बन रहा है उसे मिला दीजिए। तो यहाँ पर साथियों देखते हैं हम लोग, यहाँ ट्रिक होता है किसका, जैसे लोग बना लेते हैं ना समझने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज होता है अगर रट्टा मारने वाली चीज, अब लोग या तो 10 बार पढ़े तब दिमाग में याद होगी, या तो एक बार पढ़कर उसका कोई ट्रिक बना ले। तो जैसे काल, तो हम लोग काल क्या होते हैं, महाकाल के नाम में काल आता है, यहाँ पर महाकाल के नाम में काल आता है, और महाकाल हम लोग महादेव को कहते हैं, तो काल महादेव शिवरामन, तो ऐसे आप इसको जोड़ लिया करिए एक तरह से, तो आपको चीजें याद रहेंगी। और बंगाली, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली थे, जैसे ममता बनर्जी हैं बंगाली हैं, ऐसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी बंगाली थे, तो ये इन पे मिल जाएगा।
और सोम प्रकाश। सोम प्रकाश किससे संबंधित है साथियों? द्वारकानाथ विद्याभूषण से। तो ये सोम प्रकाश समाचार पत्र, द्वारकानाथ विद्याभूषण, बचा है एक हमारा सुधारक तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा कौन सा सेट तैयार हो रहा है इसमें? ए जाएगा चार पर, तो ए चार पर केवल यहाँ है, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। बी जाएगा एक पर, दोनों में बी है। सी जाएगा दो पर, तो सी जाएगा दो पर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए तैयार हो रहा है। बहुत बढ़िया, आप लोग जो नहीं बन रहा है उसको पहले काट देंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आगे देखें हम लोग 79 में। 79 में क्या कह रहा है साथियों? सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है कि महात्मा गांधी, यानी इसके कहने का मतलब ये है साथियों, जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है धरसना नामक गोदाम पर धावा बोला था, तो महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? तो साथियों महात्मा गांधी जेल में थे जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरसना नामक गोदाम पर जो है धावा बोला था, आंदोलन किया था, तो उस समय गांधी जी को यरवदा जेल में बंद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए, क्यों बंद कर दिया गया था? उस समय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, और वही नमक सत्याग्रह, उसी सिलसिले में गांधी जी को बंद कर दिया गया था जेल में। आगे देखें हम लोग 80 में क्या कह रहा है साथियों। 80 वाले में भारत के प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? एक सिंपल सा फैक्चुअल प्रश्न है। तो साथियों 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, और इसी 2 दिसंबर को साथियों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दोनों को याद रखिएगा। आगे चले हम लोग अब 81 में, देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है, यानी 3 गलत है 1 सही है, तो उसी को बताना है। तो साथियों यहाँ पर दिया है सुभाष चंद्र बोस टूवर्ड्स स्ट्रगल, यानी जो एक बुक है, यहाँ पर एक बुक दिया है, और बुक किससे संबंधित है? एक तरफ बुक है एक तरफ व्यक्ति है। तो सुभाष चंद्र बोस से साथियों टूवर्ड्स स्ट्रगल संबंधित नहीं है ये। जो जयप्रकाश नारायण थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा खोले थे, तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित है टूवर्ड स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा ये गलत हो गया हमारा। लेकिन हमसे सही पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी कौन सा सही है, तो ह्यूग टोए। ह्यूग टोए साथियों स्प्रिंग टाइगर से संबंधित है, ये सही है। द स्प्रिंग टाइगर किससे संबंधित है? ह्यूग टोए से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सुभाष, यो स्प्रिंग टाइगर जो ये बुक लिखे हैं ह्यूग टोए, ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, ये याद रखिएगा। तो ए हो गया, यानी विकल्प बी हमारा सत्य है, ए गलत हो गया। और ये जो सी वाला लिखा है लुई फिशर, इंडिया विंस फ्रीडम, साथियों आप लोग को मालूम है इंडिया विंस फ्रीडम जो है लुई फिशर नहीं, जो है अबुल कलाम आजाद ने लिखा है, तो याद रखिएगा आप लोग, लुई फिशर नहीं है, अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद दिया है इंडिया डिवाइडेड, नहीं साथियों अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम लिखे हैं, और इंडिया डिवाइजन राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं, तो इस सब चीजों को याद रखिएगा। तो फिलहाल बी हमारा सही था और सभी गलत थे, गलत क्यों थे मैंने बता दिया। 82 में क्या है? फरवरी 2024 में होने वाले पाकिस्तान के आम चुनाव में उम्मीदवार बनने वाली पहली हिंदू महिला कौन है? तो अभी फरवरी 2024 में पाकिस्तान में जो आम चुनाव होने वाला था साथियों, उसमें सबीरा प्रकाश को ऑप्शन नंबर बी, सबीरा प्रकाश को पाकिस्तान के आम चुनाव में पहली महिला, वो भी हिंदू महिला को जो है उम्मीदवार बनाया गया था, ऐसा पहली बार हुआ। सोच कर देखो हमारे वहां, हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान में कितनी असमानता है धर्म को लेकर। हमारे यहाँ तो मुसलमान जो है में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन वहां सोचो कितनी ज्यादा भेदभाव किया जाता है लोगों के साथ जो वहां के अल्पसंख्यक हैं। तो बी वाला हमारा जो है सबीरा प्रकाश को हिंदू महिला जो है यह हुआ, मतलब उम्मीदवार बनाया गया था। आगे देखें 83 में। तो 83 में साथियों इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो नहीं पर जरूर ध्यान दिया करिए आप लोग। तो साथियों आप लोग को मालूम होगा कि
ये आप लोग अगर पश्चिम से देखेंगे, वेस्ट से अगर ईस्ट तक देखेंगे, तो दक्षिण अमेरिका में 3 देश, कोलंबिया, इक्वाडोर, इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील से गुजरती है, उसके बाद आ जाती है जो है अफ्रीका में, फिर इंडोनेशिया में चली जाती है। तो यहाँ पर साथियों युगांडा से गुजरती है अफ्रीका का, ये जो सारे क्षेत्र अफ्रीका के दिए गए हैं, युगांडा से नहीं गुजरती है, इसी के धुन पर एक दूसरा है जो है रवांडा, सॉरी यहाँ रवांडा से नहीं गुजरती है बल्कि युगांडा से गुजरती है, युगांडा। तो ये रवांडा नहीं होगा, यानी जिसमें 4 होगा मतलब वही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो एक ये हो गया, रवांडा से नहीं गुजरती है, और भूमध्य रेखी गिनी से नहीं गुजरती है, जबकि गैबन से भी गुजरती है, सोमालिया से भी गुजरती है, लेकिन हमसे पूछा है जहां से नहीं गुजरती उसको पकड़ना है, तो 3 और 4 से नहीं गुजरती यहाँ। तो कहाँ है 3 4? विकल्प नंबर डी में। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अब 84 में देखते हैं साथियों क्या है इसमें। 84 में साथियों हमसे देखिए पूछा जा रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, एक तरफ हमें दिया है घास का मैदान और दूसरी तरफ सूची दिया है, यानी किस कौन सा घास का मैदान किस देश में है उसे बताना है। तो आप लोग यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिक याद कर लिया करिए, डाउन्स, डाउन्स मतलब नीचे। आप लोग अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे यानी सबसे डाउन है, तो ये ट्रिक आप लोग थोड़ा सा यहाँ अपना लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड, हम लोग वेल्डिंग करके चीजों को हेर फेर कर देते हैं, यानी वेल्ड घास का मैदान जो है अफ्रीका में है, अफ्रीका से हेर फेर ऐसे समझ लीजिएगा। और पुश्तैज, पुश्तैज क्या होता है साथियों? हंगरी, ये पुश्तैज कहाँ है? हंगरी में है। और पंपाज एक यहाँ पर है अर्जेंटीना में। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सेट तैयार हो रहा है? A 3 पर जाना चाहिए, B 4 पर जाना चाहिए। तो A 3 पर, B 4 पर ये हमारा बन रहा है, और C 2 पर ए, और D 1 पर, यही हमारा ए वाला बन रहा है, यही सेट होगा। बहुत बढ़िया, 85 में हम लोग देखते हैं। 85 में साथियों क्या कह रहा है आपसे? 85 में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी एक जो गलत है, मिस मैच है, उसी को पकड़िए आप। तो कैसे पकड़ेंगे यहाँ पर साथियों? बॉयलिंग झील, बॉयलिंग झील कहाँ है? डोमिनिका में है। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही। अब आपको अगर नहीं मालूम है तो भी दिक्कत नहीं, जो जो नहीं वाला सवाल होता है ये, आप अगर आपको एक कथन दो कथन नहीं आ रहा है तो आप पढ़ते जाएंगे, आपको एक ऐसा कथन मिल जाएगा जो इसके बारे में आपको जानकारी पक्का रहती है। तो बॉयलिंग झील डोमिनिका में है, मान लीजिए आपको ये नहीं आता है। और 5 फ्लावर झील, ये तो बहुत फेमस झील है, मंगोलिया में नहीं बल्कि मंगोलिया के बगल का जो चाइना है, चाइना देश, चीन में है। तो 5 फ्लावर झील कहाँ है? चीन में। तो यही गलत दिया था, तो गलत को हमें बताना था, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा, बी। और रेड लैगून झील बोलीविया में है, ग्रेट स्लेव झील जो है कनाडा में है। ये सब तीनों सही थे, पहला तीसरा चौथा सही था, बी वाला गलत था, क्योंकि 5 फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं बल्कि चीन में है। 86 में देखें साथियों, सभी के सभी फैक्चुअल प्रश्न है, आजकल के समय के हिसाब से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर मिलान वाले, कथन कारण वाले, ऐसे ही सवाल। तो साथियों यहाँ पर देखें, 86 में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक तरफ आपको कुछ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको वहां उस स्थल से संबंधित क्या कुछ मिला था उससे संबंधित दिया है। तो साथियों आप लोग को यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मालूम है संगनकल्लू, ये जो है साउथ में कर्नाटक में है, ये तो राग का टीला संबंधित है यहाँ से, ये हो गया। और मदहा, महदहा, ये हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ था यहाँ से, ये हो गया साथियों। और हमारा ये ए वाला 4 पे गया, डी वाला 3 पे आया। तो इस हिसाब से हमारा दो ही जानकारी हमारे पास थी, दो ही से हमने उत्तर को निकाल लिया, हमारा उत्तर डी होगा, यानी बी वाला 1 पर आएगा, हमें पता चल गया इससे, क्योंकि यही होगा और दूसरा हो ही नहीं सकता। और सी वाला हमारा 2 पे चला आएगा, तो हमने उत्तर को निकाल लिया, डी हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हम लोग देखते हैं 87 में। तो साथियों 87 में हमारा क्या कह रहा है? इसमें भी मैचिंग वाले सवाल हैं, देखते हैं मैचिंग वाले सवाल की। साथियों आजकल के समय के हिसाब से बहुत ज्यादा आप लोग हर एक एग्जाम में देखते हैं मैचिंग वाले सवाल बहुत ज्यादा, क्योंकि एक ही प्रश्न में आपसे 4 जानकारी मांग सकता है,
अगर आप लोग को आ गया तो आप लोग एक ही प्रश्न में चार फैक्ट सीख सकते हैं। तो देखें यहां पर आपको दिया है, कुछ क्षेत्र दिया है, क्षेत्रों के उपनाम दिया गया है और दूसरी तरफ देश दिया है, कौन सा किस देश से संबंधित है। तो स्वर्णिम त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण मालूम है साथियों, ये कहाँ है, अफीम उत्पादक, दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है, उनको स्वर्णिम त्रिभुज बोला जाता है। और दूसरा यहां पर साथियों हमारा है यहाँ बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा त्रिभुज कहाँ है साथियों, यह पहले तो हम लोग ये देख लें, सुदूर का, सुदूर पूर्व का चावल कटोरा, यानी सबसे पूर्व का चावल का कटोरा किसे कहते हैं, ये म्यांमार को कहते हैं, ये म्यांमार को कहते हैं साथियों, सीधी बात। और जो है ये हमारा रेड बेसिन कहाँ है, ये चाइना में है, और बरमूडा त्रिभुज उत्तर अटलांटिक में है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा क्षेत्र, कौन सा सेट तैयार हो रहा है, ए वाला दो पर जाना चाहिए, बी वाला चार पर, ए वाला दो पर, बी वाला चार पर। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला उत्तर बन रहा है, और सी वाला एक पर, और डी तीन पर। तो यही हमारा सेट तैयार हो रहा है, विकल्प बी। आगे बढ़े हम लोग 88 में, देखते हैं क्या है, इसमें भी मैचिंग वाले सवाल हैं। तो साथियों बहुत बढ़िया, आप लोग सिर्फ स्क्रीन शॉट अगर लिख लेंगे दोबारा याद करने के लिए तो आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। एक तरफ यहाँ आपको महाजनपद दिए गए हैं, और महाजनपद कहाँ अवस्थित थे, किस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का नाम दिया गया। तो साथियों यहाँ यहाँ भी थोड़ा सा आप लोग अगर ट्रिक उरी कर अपनाएंगे, थोड़ा सा ट्रिक नहीं, एक तरह से हम लोग गठी कैसे, जैसे पेड़ पर चढ़ना है तो अगर पेड़ में कहीं डाल उल नहीं रहे, पूरा सीधा सीधा रहे, तो हम लोग फिसल जाएंगे। तो फिसलन को रोकने के लिए हम लोग को कुछ चाहिए वहां पर फंसाने के लिए। तो यहाँ सूरसेन, सूरदास से सूरसेन हो गया ऐसे मान लीजिए। तो ये जो सूरसेन क्षेत्र है, यह ब्रजमंडल क्षेत्र से संबंधित है साथियों, याद कर लीजिए, ब्रजमंडल श्री कृष्ण से संबंधित है और सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। तो इस हिसाब से ऐसे जोड़ लेंगे, ब्रज, श्री कृष्ण, सूरसेन, सूरदास, ऐसे करके जोड़ जाड़ के अपना याद करिए रहे, दिमाग में बैठाए रहिएगा। ये हो गया। और हमारा जो यहाँ पर अगला है, यहाँ पर कौशल, ये कौशल कहाँ पर है साथियों हमारा, ये चला आएगा अवध क्षेत्र पर। कौशल हमारा कहाँ चला आएगा, अवध क्षेत्र पर चला आएगा। और एक अवंती है वो मालवा पर चला जाएगा हमारा, ये यहाँ पर चला जाएगा, वो बचा हमारा पांचाल, ये रुहेल खंड पे आ जाएगा। तो हिसाब से ए दो पर, बी एक पर, ए दो बी एक, सी चार डी तीन, तो बी वाला हमारा यही से तैयार हो रहा है, यही वाला, बहुत बढ़िया। आगे चले हम लोग, देखते हैं 89 में, 89 में सवाल साथियों, ये फैक्ट सवाल है, देखते हैं। आकांक्षीय ब्लॉक कार्यक्रम के संदर्भ में, आकांक्षीय ब्लॉक कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा गलत है। तो ब्लॉकीय आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में साथियों, इसमें कुल जो है 6 जोन बनाए गए थे, तो यहाँ पर दिया है साथियों 4 जोन, तो यही गलत है, हमें गलती पहले से ही पकड़ में आ गई, पहले ही विकल्प में। तो विकल्प नंबर ए जो है यही गलत है, 6 जोन बनाए गए थे और यही गलत है। भौगोलिक दृष्टि से आकांक्षी ब्लॉकों को 4 नहीं बल्कि 6 जोन में विभाजित किया गया था, तो यही गलत है, मैंने बता दिया क्यों गलत है। और बाकी इन सबको पढ़ लीजिएगा, सब सही है, यानी प्रत्येक जोन को 2 ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है। तिरियानी ब्लॉक समग्र डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष पर है, और उत्तर भारतीय राज्यों में, राज्यों के जोन में उत्तर प्रदेश 2 ब्लॉकों को रैंकिंग प्रदान की गई है, सब सही है, वही ए गलत था। आगे देखें हम लोग 90 में क्या है, अशोक के शासनकाल के दौरान प्रांत व राजधानी के कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ यहाँ प्रांत दिया है, अशोक के शासनकाल वाले प्रांत, और दूसरी तरफ उसकी राजधानी यहाँ पर दी गई है, तो उसी को मिलाना है, कौन सा सही नहीं है उसी को पकड़ना है। तो साथियों उत्तरापथ जो था ये तक्षशिला में था, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में, सही बात है ये, लेकिन हमसे गलत पूछा है, तो गलत पूछा है साथियों कलिंग तोसली थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, ये भी सही है। और ये दिया है पूर्वी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश की राजधानी साथियों यह उज्जैनी नहीं थी, यह गलत है, तब कहाँ थी साथियों, यह जो है अभी बिहार में, वो जो
मीसा भारती लालू जी की बिटिया जहां से चुनाव लड़ी थी उसका, देखो मेरे दिमाग नहीं आ रहा, पाटलिपुत्र से। तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ये राजधानी थी, तभी हार गई चुनाव जो है मीसा भारती, यहीं से चुनाव लड़ी थी बिहार में। तो यही हमारा सही उत्तर होगा क्योंकि यही गलत है। और दक्षिणा पद सुवर्ण गिरी। आगे देखें हम लोग, 91 में क्या है, प्राचीन काल के लेखक और उसके द्वारा रचित नाट्य शास्त्र ग्रंथों के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर वही बात साथियों, एक तरफ लेखक हैं, दूसरी तरफ उसके जो है नाट्य शास्त्र यानी नाटक, मतलब उसने क्या लिखा है वो है। तो साथियों आप लोगों को मालूम होगा, जो गलत है उसी को पकड़िएगा आप लोग। शूद्रक ने लिखा है, क्या लिखा है, कौन सा नाटक, मृच्छकटिकम। ये बात सही है लेकिन हमें गलत को पकड़ना है। तो सोमदेव, सोमदेव साथियों ललित विग्रह राज लिखा है, ये भी बात सही है, यहाँ पर बी वाला भी सही है। और यहाँ पर देखे साथियों, कह रहा है विशाखा दत्त ने सरी पुत्र प्रकरण लिखा है, तो नहीं साथियों, अश्व घोष ने लिखा है। यह सरी पुत्र प्रकरण जो है यह विशाखा दत्त ने नहीं लिखा है बल्कि अश्व घोष ने लिखा है। अश्व घोष, इसको याद रखिएगा। और बाकी क्षेमेश्वर ने चंड कौशियम लिखे हैं। तो सी वाला हमारा गलत था, मैंने बता दिया क्यों गलत है, यही आपका उत्तर होगा। 92 में देखते हैं साथियों क्या है हमारा। 92 में देखें, एक फिजिक्स से सवाल है, बहुत बढ़िया। मनुष्य का कान जो है साथियों 1000 हर्ट्ज के पर सबसे सुग्राही होता है। हमारा जो कान होता है साथियों 1000 हर्ट्ज, 1000 से 500, यानी हम कह सकते हैं 500 के से लेकर 1000 हर्ट्ज के बीच हमारा कान बहुत ही सुखद महसूस करता है, ये सही है। और मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है साथियों, गलत बात है, लाल रंग के लिए नहीं, लाल की जो तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है इसलिए लाल कलर को जो दुर्घटना या सड़क ट्रैफिक रेलवे ट्रैक पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लाल, क्योंकि दुर्घटना, क्योंकि दुर्घटना एक गलत हो, दुर्घटना नहीं होना चाहिए, तो इसलिए लाल कलर दुर्घटना के लिए प्रयोग करता है, भाई दूर से ही दिखाई दे, लाल कलर की तरंगदैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है और यह जो है हमारी आंखों के लिए सुग्राही नहीं होता। हमारे आंखों के लिए पीला रंग सुग्राही होता है। आप लोग को सलाह देते होंगे डॉक्टर या टीचर कि पीली लाइट में ज्यादातर पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, तो पीला या कुछ इसके साथ हरा ये सब आंखों के लिए सुग्राही होते हैं, लाल नहीं होता है। तो यही बी वाला गलत है हमारा, हमने गलती को पकड़ लिया, हमने जब गलती को पकड़ लिया तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। सुनने की दृढ़ता जो है 1/10 सेकेंड होती है, यानी हम जो कुछ सुनते हैं वो हमारे कानों में 1 सेकेंड का 10वें भाग तक रहती है, यानी 1/10 सेकेंड तक रहती है। यदि 1/10 सेकेंड के अंदर ही कोई दूसरी बात बोल दिया जाए तो उस आप बात को डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, उसी के साथ आपको सुन पाएंगे, तो ये होती है। और जो देखने की दृढ़ता होती है 1/16 सेकेंड, हमारी आंखों पर वो इतने सेकेंड तक उसकी छवि रहती है। तो सब सही है, बी वाला गलत। 93 में देखते हैं साथियों क्या है हमारा, बहुत बढ़िया प्रश्न। 93 में साथियों कह रहा है कौन सा कथन सही है, सही कथनों को पढ़िए, 3 कथन दिया है। तो साथियों अभी जो जो बौद्ध संगीति चौथी हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी आप लोगों को मालूम होगा, उसको उसको देखो मेरे दिमाग में वो आ नहीं रहा है, वो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था। हाँ कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इतना तो आपको मालूम है, मैं थोड़ा सा याद दिला दिया। तो कनिष्क के शासनकाल में मूर्ति बनाने की दो बहुत प्रचलित शैली थी, एक मथुरा शैली दूसरा गंधार शैली, एक मथुरा दूसरा गंधार। तो मथुरा शैली का एक मतलब गुण क्या था कि यह भारतीय शैली थी। यस सही बात है, मूर्ति निर्माण मथुरा शैली मूलतः भारतीय शैली थी, यह हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित थी मथुरा शैली, ये भी बात सही है। इसका निर्माण लाल बलुए पत्थर से किया गया है, ये भी बात सही है। यहाँ 3ों कथन सत्य हैं हमारे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग 94 में। 94 में साथियों क्या कह रहा है आपसे देखें, कह रहा है कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए, जो सही है उसी को बताना है, सही उत्तर को चुनना है 4ों कथनों को पढ़कर। तो साथियों
सल्तनत काल में जीतल एवं टंका मुद्राएं प्रचलित थी। जी बिल्कुल सही कह रहा है, सल्तनत काल में इल्तुतमिश के शासन काल में टंका एवं जीता प्रचलित थी। यानी हमारा ए और चार सही हो गया, यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। अब हमारा दूसरा पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है, टंका एवं जीतल का अनुपात 48:1 था। साथियों गलत, टंका जो था चांदी का था, जीतल जो है तांबा का था। तो चांदी जो है महंगी होती है, तांबा सस्ता होता है, तो चांदी इसका मतलब एक भाग रहेगा और तांबा 48 भाग रहेगा। उल्टा हो गया, इसको आपको उल्टा दे दिया था आपको बहकाने के लिए, तो ये गलत हो गया। अभी मैंने पहले बताया टंका जो है वो चांदी का बना होता है, इसमें लिख दिया टंका तांबे का और जीतल चांदी का, ये भी उल्टा लिख दिया। टंका साथियों चांदी का और ये जीतल तांबे का बना होता है, ये भी उल्टा लिख दिया, ये भी गलत हो गया। तो एक और चार केवल सही होगा, ये वाला बी हमारा उत्तर सही। 94 देख लिया, 95 देख लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें साथियों एक तरफ हमें सिख गुरु दिया है और दूसरी तरफ संबंधित कार्य दिया है, तो ये चीजें हमें देख रहे हैं। और सिख गुरु रामदास, सिख के चौथे गुरु हैं ये, रामदास से संबंधित क्या कार्य है साथियों आप लोगों को मालूम होगा। अमृतसर नगर इन्होंने बसाया था, अमृतसर की स्थापना किया था, अकबर ने इनको भूमि दिया था। तो रामदास अमृतसर नगर की स्थापना किए थे, भूमि कौन दिया था, अकबर ने दिया था। तो अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव किससे संबंधित थे साथियों, आदि ग्रंथ के संकलन से, आदि ग्रंथ के संकलन से गुरु गोविंद सिंह साथियों खालसा की स्थापना किए थे, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना और हरगोविंद अकाल तख्त का निर्माण। तो सब एक दूसरे के आसपास से उल्टे हैं, ए 2 पर आएगा, बी 1 पर, ए 2 पर, बी 1 पर, सी 4, डी 3, यानी ये वाला बी वाला हमारा बन रहा है, यही उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग 96 में, 96 में साथियों क्या कह रहा है हमें, बहुत बढ़िया साथियों ये प्रश्न है हमारा, कह रहा है सही कथन को बताइए। तो सही कथन को हमें बताना है, सही उत्तर को चुनकर साथियों, बहुत बढ़िया। कह रहा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जहांदार शाह था। तो नहीं साथियों, ये जो है शाहजहां ने एक मयूर सिंहासन बनाया था बैठने के लिए शासकों को, शाहजहां, तो उसको याद रखिए। तो यहाँ पर कह रहा है अंतिम मुगल शासक जहांदारा शाह था। तो साथियों यह जो है यह आपसे गलत सूचना दे दिया, जहांदारा शाह नहीं था, वो बहादुर शाह था, बहादुर शाह, तो बहादुर शाह था, तो ये गलत हो गया आपका। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जहांदार शाह ने सत्ता संभाली। तो साथियों औरंगजेब जब मृत्यु हुआ उसके बाद बहादुर शाह ने ही जो है सत्ता संभाली थी, तो ये भी जो है ये भी गलत हो गया हमारा। फर्रुख सियार एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी देकर व्यापार करने की अधिकार की पुष्टि की, तो ये बात सत्य है साथियों, फर्रुख सियार ने ही एक तरह से कहा जाता है अंग्रेजों को जो है पनाह देने का काम किया था, तो अपने लालच में, तो इसे डी वाला केवल हमारा सत्य है तीसरा। आगे बढ़ जाएं हम लोग 97 में, देखें यहाँ पर साथियों हमें क्या है, यहाँ 97 में हमें क्या पूछ रहा है, एक सूची में दिया है परमाणु शक्ति केंद्र और दूसरी सूची में है स्थिति वाला राज्य, जो किस राज्य में स्थित है उसको बताना है। तो साथियों बहुत बढ़िया ऐसे फैक्चुअल सवाल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कल्पक्कम, नाम से ही लग रहा है अक्कम पक्कम टक्कम ऐसे करके, तमिलनाडु या केरल में ऐसे संस्कृत टाइप के नाम आपको मिल जाते हैं, अगर नहीं भी आता है तो उसके जो है रिदम को देखकर आप उसके ट्यून को देखकर पता लगा सकते हो ये कहाँ का है। ये हो गया ट्रांबे, ट्रांबे बॉम्बे टाइप का नाम कुछ लग रहा है, बॉम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो इससे यह जोड़ लिया करिए ट्रांबे महाराष्ट्र में है, ट्रांबे क्या है परमाणु शक्ति केंद्र है। ये हो गया काकरा पार गुजरात में है, जैसे सब लोग अमित शाह को तड़ी पार कहते हैं ना, तो अमित शाह गुजराती हैं, तो ऐसे आप सोच लीजिए काकरा पार, तो यहाँ जो हो जाएगा यहाँ ये गुजरात और नरौरा उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा अब देखिए ए कहाँ, 3 पर आएगा, बी 1 पर, ए 3 पर, बी 1 पर, सी 2 पर, डी 4 पर, तो ये बी वाला हमारा सेट बन रहा है, विकल्प बी सही होगा।
आगे देखें हम लोग 97 में, 98 में क्या है। तो साथियों इसमें भी मैचिंग वाले सवाल हैं हमारे, बहुत बढ़िया। देखते हैं शिवाजी के जो अष्ट प्रधान है उसमें मिलेंगे, जैसे आज मोदी जी के मंत्री जो होते हैं अपने मंत्रियों के सहयोग से काम करते हैं मोदी जी यानी भारत के प्रधानमंत्री, ऐसे शिवाजी शासनकाल में अपने 8 विश्वसनीय जो है लोगों को समूह था जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। तो अष्ट प्रधान एक तरफ दिया है शिवाजी का और दूसरी तरफ कार्य दिया है, तो इसी को बताना है। अमात्य जो थे जो साथियों अष्ट प्रधान में अमात्य थे, उनका काम था वित्त मंत्रालय का काम करते थे वो, अमात्य वित्त मंत्रालय का। और सचिव तो जानते हैं आप लोग, सचिव का काम ही होता है लेखा जोखा पोथी पत्रा वाला काम होता है, तो राजकीय पत्र व्यवहार और देख रेख करने वाला, तो ये हो जाता है इस पर चला आएगा। और ये जो दरीब होता है, दरीब कहाँ है, ये विदेश मंत्री संबंधित है। और वाकिया नवीस दरबार में प्रतिदिन कार्यवाहियों का विवरण रखने वाला। तो इस हिसाब से हमारा ये कौन सा सेट तैयार हो रहा है साथियों, 98 का देख लेते हैं। ए दो पर जाएगा, बी एक पर, ए दो पर बी एक पर, सी चार पर, तो यानी सी हमारा बन रहा है ये विकल्प नंबर सी, यही सेट होगा हमारा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखें 99 क्या कह रहा है हमारा, 99 में साथियों कह रहा है महमूद गजनवी के किस एक सैनिक का मकबरा बहराइच में है। तो महमूद गजनवी के एक सैनिक का मकबरा बहराइच में है, तो उस सैनिक का नाम आपको बताना है। नाम बड़ा सा है, सैयद सालार मसूद गाजी, इसका जो है एक मकबरा जो है बहराइच में है। और ये जो है उतबी, अलबरूनी, फराबी, ये सब महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। आगे बढ़े हम लोग 100 में, देखते हैं क्या है, मैचिंग से संबंधित सवाल है साथियों। एक तरफ जो है स्थल दिया हुआ है हमें और दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थल दिया है, तो इसी को मिलाना है हमें। तो देखें हड़प्पा में साथियों क्या है हमारा, शवाधान आर 37 संबंधित है यहाँ से। लोथल जो है ये गोदी से संबंधित है। और कालीबंगा जुता हुआ खेत मोहन दोजड़ो से में क्या मिला था, नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला था, लोथल से गोदी का साक्ष्य मिला, हड़प्पा से सवाधान का। तो इस हिसाब से हमारा एक सीधा दो सीधा है और सी चार डी तीन ये वाला बन रहा है हमारा, सही है विकल्प नंबर बी। आगे बढ़े 101 में साथियों क्या कह रहा है हमें, देखें जुपिटर 3 का सफल परीक्षण किस संस्था द्वारा किया गया। तो साथियों एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स जो है, यही ने जो है जुपिटर 3 का सफल परीक्षण किया था, ऑप्शन नंबर सी। ये टेस्ला से भी जुड़े हैं एलन मस्क, ये टेस्ला के भी सह संस्थापक हैं। तो ये एलन मस्क की जो है यह कंपनी है ये स्पेस एक्स, यही जो है जुपिटर 3 का सफल परीक्षण किया था। 102 में हम लोग चलते हैं, बहुत बढ़िया साथियों। यहाँ पर देखते हैं मैचिंग वाले सवाल, मैचिंग वाले सवाल बहुत आजकल पूछे जा रहे हैं साथियों, उसी हिसाब से दिया है। और दूसरी बात, एक ही सवाल में आपको कई सारा फैक्ट सिखा देगा। चलते हम लोग अगला देखते हैं। एक तरफ साथियों यहाँ पर हमें अभ्यास दिया है, युद्ध अभ्यास जो है, और दूसरी तरफ वो किस देश से संबंधित है, किससे किससे वो दिया है दूसरी सूची में। तो साथियों ये वज्र प्रहार जो 2023 का दिया है, यह जो मेघालय के उमरोई में हुआ था भारत और अमेरिका के मध्य, और बोंगासोर बी से बोंगासोर, बी से बांग्लादेश। तो ये बोंगासोर जो है कहाँ हुआ था, ये बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के बीच। काजिंद के से काजिंद, के से कजाकिस्तान, ये यहाँ से हुआ था। और सिम्बेक्स सी से सिम्बेक्स, सी से सिंगापुर, भारत श्रीलंका के मध्य हुआ था। यानी एक दो आपस में उल्टे, तीन चार आपस में उल्टे हैं, तो कौन बनेगा, ए वाला दो पर, बी वाला एक पर, सी चार पर, डी तीन पर। तो हमारा ये ए बन रहा है, ये वाला सेट। आगे देखते हैं हम लोग 103 में क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है आदर्श तरल की स्यानता कितनी होती है। जो आदर्श तरल हो सिर्फ होता कुछ नहीं है, लेकिन अगर पूछ दिया है, रियल में तो नहीं होता, एक इमेजिनरी में अगर बात किया जाए तो आदर्श तरल की श्यानता ये शून्य होती है, विकल्प नंबर ए हमारा सत्य होगा।
वैसे पे होती तो नहीं है, लेकिन जल को एक आदर्श तरल माना गया है, जल को याद रखिएगा, कभी पूछे तो बता देना। 104 में देखते हैं क्या है। 104 में साथियों हमसे देखो पूछ रहा है, एक तरफ स्थल दे दिया है हमें और दूसरी तरफ हमें संबंधित तीर्थंकर है, तीर्थंकर दे दिया है, तो वही हमें बताना है साथियों। श्रावस्ती यहाँ पर दिया है, यहाँ हमें जो हमें सबसे पहले क्लियर हो उसको मिला दें हम, तो हमें ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अयोध्या से साथियों, ये अयोध्या स्थल है, यहाँ के तीर्थंकर किससे संबंधित है, ऋषभनाथ से, ये हो जाएगा। और पभोसा ये पद्म प्रभु से संबंधित हो जाएंगे, ये हो जाएगा। और हमारा जो है ये दो ठो देखे हमसे, दो से काम बन रहा है, सी वाला एक पर, डी वाला दो पर, तो सी वाला एक पर डी वाला दो पर, यानी सी होगा हमारा। दो ही जानकारी से हमने उत्तर को निकाल लिया, तो सी वाला हमारा उत्तर होगा, यानी अब हमें पता चल गया ए वाला चार पर जाएगा। और एक बचा है, इसका तो रास्ता एक ही जगह है, सुविधा नाथ पर, तो इस हिसाब से हम उत्तर को निकाल लिए दो ही जानकारी से। देखें 105वां देखते हैं क्या है हमारा साथियों। ये युग्म सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको बताइएगा आप लोग। पॉलीग्राफ टेस्ट जो होता है, झूठ लगाने का पता होता है, आप लोग अगर एक मूवी देखे होंगे सनी देओल की, तो उसमें जो है सनी देओल अपनी बीबी की हत्या किए रहता है, तो उसमें जो है एक पॉलीग्राफ टेस्ट उसके साथ होता है, तो मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, सनी देओल की पॉलीग्राफ वाली मूवी ऐसे कर डालेंगे तो आ जाएगा। ए गाइगर काउंटर, गाइगर काउंटर साथियों रेडियो एक्टिविटी मापक यंत्र है, यह सही बात है, ये भी सही है, लेकिन हमको गलत से बताना है। और यहाँ पर एक चीज और आप लोग जानते हैं, कार्डियोग्राफ, ये जो है हृदय की गति को मापता है, ये भी सही है। तीनों जब सही हैं तो ये हमें नहीं मालूम हो तो यही गलत होगा, क्योंकि यही गलते होगा, चार में से एक गलत है तो इसी को होना पड़ेगा गलत। तो ये जो गायरोस्कोप दिया है साथियों, शरीर के क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला ये नहीं है, ये नहीं है यहाँ पर। तो जो हमारा एक काइमोग्राफ, जो शरीर को ये शरीर की क्रियाओं को ग्राफ के रूप में नापता है, तो इसका नाम काइमोग्राफ होता है, काइमोग्राफ, तो याद रखिएगा इसे, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं अब, यानी गलत यही था। और ये जो एक गायरोस्कोप दे दिया है साथियों, यहाँ पर ये गायरोस्कोप दे दिया है, ये इसका काम क्या होता है, गायरोस्कोप होता है कि कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी को मापन करता है, एंगुलर वेलोसिटी। आगे देखें 106 में साथियों क्या कह रहा है, बढ़िया है। आबू का जैन मंदिर, आबू का जैन मंदिर किससे बना है, तो साथियों संगमरमर से बना है, आप लोग अगर देखेंगे भी नेट पर डालकर, आबू का जैन मंदिर एकदम ताजमहल जैसा चमकता हुआ सफेद दिखेगा आपको। तो ये कहाँ है आबू का जैन मंदिर साथियों, आप लोगों को मालूम होगा ये कहाँ है, राजस्थान के सिरोही जिला में, कहाँ है राजस्थान के सिरोही में। आगे बढ़ें 107 में, 107 में साथियों कह रहा है क्रायोजेनिक टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं उसे बताइए। तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर साथियों उस टेम्परेचर कहा जाता है जो 150 से कम टेम्परेचर होता है, उसे क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहा जाता है, वायुवानों में इसका प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प नंबर ए हमारा सत्य है। आगे चलें 108, तो साथियों 108 में भी एक बेहतरीन सा सवाल है, कह रहा है द्रव्यमान के आधार पर ग्रहों का आरोही क्रम कौन सा होगा, तो ग्रहों का आरोही क्रम द्रव्यमान के आधार पर, यानी जो सबसे बड़ा होगा उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, जो सबसे छोटा होगा द्रव्यमान सबसे कम होगा। तो सबसे बड़ा साथियों बृहस्पति है हमें मालूम है, और सबसे छोटा बुध है, तो ये चीज हमें मालूम है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा होना चाहिए, तो कहाँ कहाँ बृहस्पति सबसे बड़ा है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी अब हमें ये क्लियर हो गया, सी उत्तर नहीं हो सकता, ए उत्तर नहीं हो सकता, नहीं बी या डी में से कोई होगा। अब हमें देखना है, सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, दूसरे नंबर पर शनि होता है,
यहाँ अरुण दे दिया दूसरे नंबर पर, तो ये गलत हो गया। दूसरे नंबर पर शनि होता है, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला वरुण, और चौथे नंबर पर अरुण हो जाएगा। और अगर हम लोग पांचवें नंबर की बात करें तो ये पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध ऐसे होगा, तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। नौवें में हम लोग देखते हैं, अब नौवा में अगर देखें इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखें साथियों बहुत गजब का सवाल है, देखने में बड़ा है लेकिन दम नहीं है इसमें। कह रहा है कौन सा सही है, तो यानी सही है पूछ रहा है, तो उसका सही उत्तर आपको बताना है। पहला कह रहा है व्हिटेकर ने जीवों को पांच जगतों में विभक्त किया है। यस साथियों, व्हिटेकर नाम के एक मतलब एक जियोलॉजिस्ट थे साथियों, या कह सकते हैं वैज्ञानिक थे। 1969 में उन्होंने जीवों को पांच जगत में विभाजित किया था और बताया था कि जो है किस वो पांच जगत क्या थे साथियों, कोशिका संरचना की जटिलता, जीवों के शरीर की जटिलता, पोषण प्राप्त करने की विधि के आधार इत्यादि के आधार पर किया गया है। तो ये दोनों के दोनों बातें हमारी सत्य है यहाँ पर, तो ये सही है, तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा हमारा। 110 में साथियों ये क्या कहा गया है यहाँ पर, तो देखें यहाँ कह रहा है कि कालक्रमा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए इन ग्रंथों को, जो नीचे ग्रंथ लिखे गए हैं, तो साथियों उसे हमें कालक्रम में सजाना है। तो फतवा ए जहांदारी जो पुस्तक है जियाउद्दीन बरनी की है ये, तो इसे मालूम है ये सबसे पहले नंबर पर, ये मतलब ये पहले नंबर पर होगी। आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं, और ये पृथ्वीराज रासो आप लोग को मालूम ही है, पृथ्वीराज रासो जो है साथियों ये चंद्रबई ने इसको लिखा है। तो इसका जो क्रम होगा सबसे पहले साथियों किताबुल हिंद, ये जो यहाँ पर किताबुल हिंद है, किताबुल हिंद ये सबसे पहले आएगा। तो तीन सबसे पहले कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये दोनों को काट दीजिए, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। तीन के बाद क्या होगा साथियों अपना, ये किताबुल हिंद के बाद क्या आएगा, पृथ्वीराज रासो, तो ये दो आएगा इसके बाद। इसके बाद दो कहाँ है, डी पर है, तो डी उत्तर होगा हमारा, ये याद कर लीजिए। फिर चार आ जाएगा, चार आ जाएगा तबकात नासिरी, फिर एक आगे बढ़े 11 में देखें यहां पर क्या है, कौन सा कथन सही है, तो सही कथन को हमें बताना है। पवनों द्वारा उत्पन्न तरंगों को प्रगामी तरंग कहते हैं। यस मेरे भाई बिल्कुल सही, प्रगामी तरंगे एक प्रकार की दोलनी यानी ऑस्मोसिस वेव होती है। यस दोनों बातें सही हैं इसकी, ए हो जाएगा उत्तर हमारा। आगे बढ़ जाएं हम लोग 12 में देख लेते हैं, 112 में, तो 112 में साथियों हमसे क्या पूछना चाह रहा है, ये कह रहा है कि कथन को पढ़िए, कारण को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। तो कथन को जब पढ़ेंगे, ज्वार भाटा सागरों तथा महासागरों के जल स्तर में आवर्ती उतार चढ़ाव है। यस मेरे भाई ज्वार भाटा यही होता है, जो ऊपर जल उठता है ज्वार और जो नीचे गिरता है भाटा, तो ये सत्य है हमारा कथन, ये सत्य हो गया। यह चंद्रमा एवं सूर्य के विभेदी आकर्षक शक्ति के फलस्वरूप होता है, तो यस इन दोनों के यही है इसका, दोनों का कारण भी सही है, एक दूसरे से कनेक्ट भी हो रहे हैं, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। 113 में देखते हैं साथियों क्या है हमारा, देखें 113 में जो हमसे पूछ रहा है, एक तरफ हमें जल धारा दिया है और दूसरी तरफ अवस्थिति दिया है, वो कहां पर अवस्थित है। तो यहाँ पर साथियों चीज याद रखिए, यहाँ पर चार जो जल धाराएं दी गई हैं, इनमें से केवल बेंगुला जो है वो ठंडी धारा है और बाकी सब के सब गर्म धारा है, याद रखिएगा ये तीनों जो हैं सब गर्म धाराएं हैं। तो ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। अगर हम इसको मिलाने की बात करें तो मिलाने की बात क्या है, तो सबसे पहले आपको क्या, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक को हमें याद है क्योंकि ये हमारा भारत हिंद महासागर के दक्षिण में है और मोजाम्बिक हिंद महासागर से संबंधित है, इसलिए हम सबको ये याद होगा जो ये कहाँ है, दक्षिणी हिंद महासागर पे ये मोजाम्बिक यहाँ से है। अब हमको देखते हैं सी चार पर होना चाहिए, तो सी चार पर केवल एक जगह है बी में, तो इसी समय पता लग गया उत्तर हमारा बी होगा, क्योंकि हमें एक ही जानकारी ठीक से आती थी सच बताएं, तो इससे हमने उत्तर को निकाल लिया। अब हमें ये पता लग गया ए वाला दो पर जाएगा, बेंगुला धारा कहाँ पर जाएगा, अटलांटिक महासागर पर जाएगा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, और बी वाला तीन पर चला जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर,
क्यूरोश, यो कहाँ चला जाएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर। तो इस हिसाब से आप सब मिला दिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे देखें 114 में, तो 114 में साथियों हमसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, सही कथनों को आप बताइए। तो विश्व में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में होता है। सही बात है, यूएसए में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही है। कह रहा है विश्व में लौह का, लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। नहीं साथियों, चीन में नहीं, लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन साथियों ऑस्ट्रेलिया में होता है, कंगारुओं के देश। तो ये दो हमारा गलत हो गया, केवल एक सही है। आगे देखें 115 में क्या हमसे पूछना चाह रहा है साथियों। एक तरफ साथियों यहां पर देखिए हमें जल संधि दे दिया, और दूसरी तरफ किसको वो जोड़ती है, जल संधि का काम ही होता है दो जली क्षेत्रों को जोड़ना और साथ ही साथ दो स्थली क्षेत्रों को अलग करना, जल संधि का काम होता है। जैसे एक यहाँ पर ये जल क्षेत्र है और ये जल क्षेत्र है, और बीच में सब स्थल है, ये जल हो गया। अब इसमें दोनों ये स्थल को काट कर नहर बना दिया, अब नहर बना दिया इन दोनों जली क्षेत्रों को जोड़ने के लिए। तब जब नहर बन गई तो ये दोनों स्थल बेचारे जो पहले जुड़े थे अब ये अलग हो गए, और ये दो जल जो अलग थे अब ये जुड़ गए। तो यही यही क्या कहलाएगा, ये जो नहर बन गई यही जल संधि कहलाएगी। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती है साथियों। जिब्राल्टर जल संधि जो है ये अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये हो गया। और बेरिंग जल संधि साथियों ये चुक्सी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है, ये तो हमें याद हो गया। और डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर जोड़ती है। हार्मूज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ती है, यानी एक दो आपस में उल्टे, तीन चार आपस में उल्टे हैं। तो इस हिसाब से ये बी वाला हमारा उत्तर बनेगा, ये वाला। आगे चले हम लोग 16 में देखते हैं। 16 में साथियों हमसे क्या पूछना चाह रहा है, यह कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित को बताना है, अद्वैतवाद दे दिया है रामानुज, तो गलत है साथियों, विशिष्ट द्वैतावाद रामानुज से संबंधित है, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला हमारा। अब दूसरा वाला जब इसके ऊपर वाला दे दिया तो दूसरा वाला भी गलत हो गया। तो अद्वैतवाद जो है वो शंकराचार्य से संबंधित है, ये यहां से संबंधित है, तो ये दोनों गलत हो गए। जो द्वैतवाद दिया है साथियों यही सही है, मध्वाचार्य से संबंधित है, यही आपका उत्तर होगा। और द्वैता द्वैतवाद जो दे दिया है यह वल्लभाचार्य से नहीं होगा, ये भी गलत दे दिया है साथियों, तो ये भी जो है गलत दे दिया है 16वें में। तो हमारा जो उत्तर हुआ यह सी पर होगा, तो इसका निम्बार्काचार्य होगा, वल्लभाचार्य नहीं होगा, निम्बार्काचार्य होगा, निम्बार्काचार्य याद रखिएगा। आगे देखते हैं 17 में, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में किसानों आदिवासियों एवं महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। साथियों कौन भूल सकता है, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही उत्तर होगा हमारा। आगे देखते हैं 18 में, 18 में साथियों हमारा यहाँ पर क्या है देखते हैं, एकदम बेहतरीन सवाल। एक तरफ संगठन दिया है, दूसरा तरफ उसके संस्थापक हैं, उसी को मिलाना है हमें, तो कौन भूल सकता है साथियों, वो हसरा एच एस आर ए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था, तो ये हो जाएगा हमारा बी वाला आ जाएगा 3 पर, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह बनाए थे, ये हो जाएगा। अभिनव भारत बी डी सावरकर, और बचा एक इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्य सेन। तो इस हिसाब से अपना जो है हमारा 118 का ये कौन सा उत्तर हमारा तैयार हो रहा है देखते हैं अगले पेज पर। तो ये ए पर होगा, ये वाला बन रहा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। आगे देखें 19 वाला देख लेते हैं हम लोग। तो साथियों इसमें भी मिलान वाले प्रश्न हैं, एक तरफ हमें एक सूची में दिया है और दूसरी सूची दी है इधर,
इन्हीं को हमें मिलाना है कौन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमें एक जो सबसे ज्यादा क्लियर है चंद्रभार ब्राह्मण या चहार चमन से संबंधित, च से चंद्रभान और च से चहार, ऐसे इसका एक ट्रिक भी बना लीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया, ये बी आएगा एक पर, और बी एक पर केवल एक ही जगह है डी में, यानी हमारा उत्तर डी होगा। देखो हमें एक ही जानकारी आ रही थी ठीक से, हमने उसी के दम पर उत्तर निकाल लिया। अब देखो मिला दे हम लोग, ए चार पर चला आएगा और बी चला आएगा एक पर, हो ही गया, सी वाला दो पर चला आएगा और ये डी आ जाएगा तीन पर। बहुत बढ़िया, आगे चलें। देखें साथियों 120 में, 120 में क्या कह रहा है, 120 में साथियों आपसे ये पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि बंगाल विभाजन संबंधी निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को बताइए। ये बंगाल विभाजन संबंधित जो असत्य है उसी को बता देना है आपको। तो पहला आप जब पढ़ेंगे तो मालूम है आपको लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था बंगाल विभाजन। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय घोषणा किया था, सही बात है। बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ, सही बात है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ जो है, ये भी बात सही है। तीनों के तीनों जब बात सही है साथियों, सीधी सी बात है यही चौथा गलत होगा और चौथा ही हमारा उत्तर होगा, चौथा ही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ दिया है बंगाल विभाजन के समय एच रिंजले बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो साथियों नहीं, ये एक एक अंग्रेज थे, वो थे, इसमें नाम हमको ठीक से नहीं याद आ रहा है, लेकिन उनका नाम एंड्रूज करके था, इतना तो मुझे याद है, रिजले नहीं थे, एंड्रूज करके उनका नाम था, एंड्रूज। तो यही डी वाला हमारा गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं बता दिया। तो 21 में देखते हैं क्या है, देखें 31 वाला, अगर आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड को थोड़ा सा भी अगर पढ़े होंगे तो बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, इसमें कोई दम है ये नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो घटनाओं को सही क्रम में सजाना है, यानी सबसे पहले कौन घटना हुई, इसके बाद कौन हुई और उसके बाद कौन हुई। तो साथियों यहाँ पर आप लोग, अगर आप लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा दिमाग में, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले रॉलेट एक्ट बनाया था, रॉलेट एक्ट पारित किया गया था बिना किसी मतलब एक शंका के आधार पर लोगों को जेल में डाल देना, यही था रॉलेट एक्ट। और जो रॉलेट एक्ट बना तो उसके बाद सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने इसका विरोध किया था, तो इसको उन्होंने, इनको जो है जेल में डाल दिया गया था। तो जेल में डाल दिया गया, लोग जो है जलियांवाले बाग में जुटे और वहां पर वो जो है जनरल डायर ने गोली चलवा दिया, जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड हो गया। जब हत्याकांड हो गया तो इसके बाद उसी साल जो है अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो सीधी सी बात साथियों, चार एक पर होना चाहिए, चार पहले होना चाहिए और एक अंत में होना चाहिए, ऐसा कहाँ है, ऐसा यहाँ है। तो ये वाला सेट हमारा बन रहा है, सबसे पहले 4 2 3 1। आगे बढ़ लिया जाए, 22 में देखते हैं क्या है, जर्मन सिल्वर पूछ रहा है साथियों। जर्मन सिल्वर क्या होता है, जर्मन सिल्वर तीन होते हैं साथियों, तांबा निकेल जिंक, ए हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ें 123 में, 123 में साथियों हमसे पूछा जा रहा है, ये दो सूची दी गई है और इन्हीं दोनों सूचियों को मिलाकर हमें उत्तर बताना है। तो कनक भवन, कनक भवन साथियों अयोध्या में है, ये अयोध्या में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, फेमस चीजें हैं आप लोगों को मालूम होगा। तो देखें दो से हमारा काम बना, ए चार पर डी एक पर, तो बन गया हमारा काम, बी होगा उत्तर इसका। तो जानकारी से हमें उत्तर मिल गया और बी आ जाएगा हमारा तीन पर, बी आ जाएगा तीन पर, एक बचा सी, ये आ जाएगा दो पर। आगे बढ़ जाए हम लोग अब 24 में, 24 में क्या कह रहा है आपसे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है, उसी को पकड़िए आप। तो साथियों पकड़ना कैसे है, कार्बन तंतु वायुयान से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक जो क्रीम बनती है उनसे संबंधित है, मरहम वगैरह जो बनते हैं। और सिलिकॉन कार्बाइड कह रहा है प्रसीतक, मेरे भाई गलत, सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है,
इंडस्ट्रीज में बनने वाला हीरा यानी कृत्रिम हीरा, आर्टिफिशियल डायमंड की बात कर रहा है। कृत्रिम हीरा क्या होता है? कृत्रिम हीरा यह सिलिकॉन कार्बन कार्बाइड होता है। तो और जो ओरिजिनल हीरा होता है कोयला खदानों में मिलता है, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड ये अग्निशामक होता है। सब सही है, गलत यही सी वाला था। 125, बहुत बढ़िया सवाल। कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोत्तम उदाहरण है? दशहरी आम का सर्वोत्तम सबसे अच्छा उत्पादक कौन सा है? तो साथियों मालूम है आपको, लखनऊ, लखनऊ का एक क्षेत्र है मलिहाबाद, वहां पर दशहरी आम बहुत फेमस है, मलिहाबाद। तो याद रखिएगा इसे लखनऊ का। और इसके साथ ही साथ जो हमारा गृह जनपद जौनपुर है, वहां में भी जो दशहरी आम का बहुत ठीक ठाक मात्रा में पाया जाता है। तो फिलहाल इसमें लखनऊ की बात कर रहा है। आगे देखें, छठवें में 126, 126 में साथियों क्या कह रहा है? 106वां संविधान संशोधन था साथियों, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसी की बात कर रहा है जो 2023 में बना है। तो उसके लिए साथियों कह रहा है, लोकसभा विधानसभा के लिए महिला आरक्षण प्रावधानों के संदर्भ में किया गया। तो आप लोगों को मालूम होगा कि 106वां संविधान संशोधन जो बना, महिलाओं को लोकसभा विधानसभा के जो है चुनाव में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो ये बना था। तो ये बना था साथियों, ये 2024 में होने वाले आम चुनाव में लागू नहीं हुआ था। ये कब लागू हुआ? जब कब लागू होगा? जब इसका परिसीमन फिर से किया जाएगा सीटों का, तब से होगा। तो ये गलत हो गया साथियों। और ये इसका प्रावधान करा है 25 वर्ष तक प्रभावी रहेंगे साथियों। जब ये लागू होगा उसके 15 वर्ष तक ये प्रभावी रहेगा, 15 वर्ष तक। उसके बाद जो है अगर और जरूरत पड़ी तो संसद के माध्यम से बढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर वही खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ दोनों कथन गलत हैं। तो कह रहा है सही कौन है? तो सही डी यहाँ होगा, ये ना तो एक ना तो दो। तो 27 मान लो हमको देखना है, देखते हैं। ये भी सवाल बेहतरीन है, हर कोने से आपको प्रश्न उठाया है साथियों, हर कोने से एकदम टच किया है आपको, हर कोना टच करा दे रहा है आपको, पढ़ना कहाँ से है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ किस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं वो दिया है। तो साथियों फेमस है अभी बीजेपी चुनाव जो है मध्य प्रदेश में, 29 की 29 सीटों पर आ गई। यहाँ पर ये दूसरा 29 है, बहुत चर्चा में थी। और तमिलनाडु ये 39 है, ये तमिलनाडु 39, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में साथियों 11 सीटें हैं, और झारखंड में 14 सीटें हैं। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा साथियों बन रहा है, कौन सा उत्तर हमारा तैयार हो रहा है? सब ये जो है सी वाला तैयार हो रहा है, ये वाला। आगे बढ़ें, 28 में क्या कह रहा है? 28 में साथियों हमसे कह रहा है कि हाल ही में संसद द्वारा अधिनियमित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो जो है इनका जैसे सेवा शर्तें और पदावधि के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का वेतन होगा। यानी साथियों अभी कह रहा है, हाल ही में अभी संसद द्वारा यह अधिनियमित किया गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का जो है वे वेतन कितना होगा। तो साथियों वेतन इसका उसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके बराबर होगा, विकल्प नंबर सी। 129 में साथियों क्या कह रहा है? 129 में आपसे पूछा जा रहा है, दो सूची दिया है, और इन्हीं दोनों सूची में कह रहा है एक तरफ संवैधानिक प्रावधान है और दूसरी तरफ स्रोत है, कौन सा संवैधानिक प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो साथियों बहुत बढ़िया, हमको मालूम है मंत्रिमंडली प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और एक चीज और मालूम है हमको, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ये यूएसए से लिया गया है, जो बाइडेन यानी जो ट्रंप वाला यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है वो।
तो यहां से लिया गया है केंद्र राज्य संबंध यानी फेडरल जो लिया गया है संघीय व्यवस्था वो कनाडा से लिया गया है, संविधान संशोधन व्यवस्था अफ्रीका से लिया गया है। तो इस हिसाब से ए हमारा 2 पर, बी 4 पर, ए हमारा सॉरी ए 3 पर, बी 4, ए 3 बी 4, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ए और बी में से कोई होगा, और सी जो है 1 पर आएगा, सी 1 पर, यानी ये बी हमारा उत्तर होगा। 130 का साथियों, 130 में कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है उसी को पकड़िए। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल क्या है? मगहर है। कबीर को सब लोग कह रहे थे कि काशी में मरिए, वो कह रहे थे नहीं हम मगहर में जाकर मरेंगे। तो मगहर कहाँ है? संत कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में एक मगहर नामक स्थान है, वो कबीर पंथियों का पवित्र स्थल है यानी कबीर को मानने वाले लोगों का। तो ये सही है, लेकिन हमसे गलत पूछा है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में है, ये भी सही है, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? देवा शरीफ बाराबंकी में है, सब सही है। तो साथियों ये तीनों जब सही हैं तो गलत यही होगा, यही हमारा उत्तर होगा डी वाला। 88,000 ऋषियों की तपस्थली कह रहा है संकिसा है, तो साथियों यह गलत हो जाएगा, तो संकिसा नहीं नैमि शारण्य होगा। कौन होगा? नैमि शारण्य, याद रखिएगा ये होगा। आगे देखें 131 में, 131 में हमसे कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में जो है कथन दिया गया है, उसी कथन को पढ़कर सही उत्तर को बताइए आप। तो कैसे बताएंगे राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में? तो कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं अपने पद ग्रहण तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करते हैं। साथियों गलत, जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनका पदावधि जो होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है, लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनका जो है 6 वर्ष और 62 वर्ष है। तो यहाँ 6 62 होना चाहिए था, इसलिए गलत। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल उसके पद से हटाया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। तो नहीं साथियों, राज्यपाल के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, तो सही कोई भी नहीं है, डी हो जाएगा उत्तर, कोई नहीं। 32 में देखते हैं साथियों, 32 में क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व तो यानी डीपीएसपी जो है उसमें बाद में क्या जोड़े गए हैं वही को बताना है, जो बाद में जोड़े गए हैं। तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये सभी यहाँ जोड़े गए हैं, समान न्याय निःशुल्क सहायता 39A, 39A बाद में ही जोड़ा गया है देखने से लग रहा है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना साथियों ये भी जो है बाद में जोड़ा गया है, 43A हो जाएगा ये, 43A हो जाएगा ये। और कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी तो ये भी बाद में जोड़ा गया था साथियों, ये भी बाद में ही जोड़ा गया है। और ये जो पर्यावरण संरक्षण ये भी अनुच्छेद 48A में है, तो सब के सब यहाँ पर साथियों बाद में जोड़े गए हैं। 32 का हमारा जो हो कौन सा उत्तर हो जाएगा? 32 का डी हो जाएगा। तो चले हम लोग अब आगे देखते हैं अपना उत्तर क्या है, हमारा आगे क्या है देखते हैं। 6, 33, 33 में क्या है साथियों? उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है, तो उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता क्षेत्र है उसमें वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है साथियों? यहाँ पर लिखा है, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे सर, राष्ट्रपति के द्वारा कि संसद के द्वारा? तो साथियों यहाँ पर जो कंफ्यूजन है, तो ये वहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 133वें का यहाँ पर, तो 133 का हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो संसद के द्वारा हो जाएगा, संसद ही उसकी अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। देखें 34 में, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है साथियों? महासागर, सीधी बात, ए उत्तर होगा। देखें क्या है इसमें,
नीचे दिए गए कथन कारण है, उत्तर दीजिए। कथन को पढ़िए। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई अड़चन न आए और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह साथियों, यह जो है अनुच्छेद 257 में यह बताया गया है कि जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रयोग ऐसा किया जाएगा कि वो संघ के कार्यों में डिस्टरबेंस न पैदा कर सके। ये भी सही है। अब कारण इसका कहाँ है, कारण खोजते हैं। कारण जब खोजा गया तो कारण ये मिला, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों के आवश्यक निर्देशन दे सकती है। तो यह साथियों दो ये भी सही है। यानी हमारा यहाँ पर उत्तर कौन सा सही होगा साथियों, उत्तर हमारा ए सही हो जाएगा। दोनों सही हैं और एक दूसरे से अटैच यानी व्याख्या भी कर रहा है आर ए का। 136 में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो साथियों संविधान के अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति फैले तो आप राज्यों की रक्षा करेंगे। तो ये 355 में बताया गया है और 252 में तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। 356 में जो है राज्य सरकारों को राज्यों पर जो आपातकाल लगाया जाता है वो बताया गया है राष्ट्रपति शासन। 37 में देखते हैं क्या है, कौन सा सत्य नहीं है। तो साथियों जो गलत है उसे बताइए। तो यहाँ आप लोग देखेंगे सीधा सीधा आपके आंख में धूल झोंक रहा है, कह रहा है कि जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से धुओं की ओर घटती है। तो ये साथियों तो साथियों हमें बिल्कुल सही जवाब देना है। तो ये बिल्कुल सही जवाब क्या दे सकते हैं हम लोग, कह रहे हैं ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी भी ग्राम से संबंधित निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। तो ये बात सही है साथियों, बिल्कुल सही जवाब। और ग्राम सभा का जो संबंधित शक्तियों का प्रावधान होता है वह संसद द्वारा नहीं बनाया जाता बल्कि राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी बात सही है, ये दूसरा गलत हो गया हमारा, तो केवल एक सही होगा यहाँ पर। तो साथियों हम लोग देखते हैं अगली प्रश्न जो है अपना, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न साथियों 143 में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कौन सा वर्ग नहीं है, कौन सा वन वन संवर्ग नहीं है। तो वन संवर्ग कौन सा नहीं है साथियों यहाँ पर, तो यहाँ राष्ट्रीय उद्यान वन संवर्ग नहीं है, बाकी सब हैं। ये किसके, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार। आगे देख ले हम 144।
144 में साथियों क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है? तो कोशिका भित्ति पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। नहीं साथियों, गलत है। कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं, यानी केवल प्लांट में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यस। तो ये गलत हो गया, दो सही, केवल दो सही होगा। तो आगे बढ़े हम लोग 45 में देखते हैं। 45 में क्या है, तो 45 में साथियों हमसे पूछ रहा है, एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है, दूसरी तरफ राज्य है, तो हमें मिला दीजिए, हमें नाम दफा कहाँ है। नाम दफा ये अरुणाचल प्रदेश में है, पेरियार केरल में है, और बांदीपुर कर्नाटक, लामजाओ मणिपुर। इस हिसाब से हमारा कौन बन रहा है, जो है ए बन रहा है, ये वाला, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। 46 में देखते हैं क्या है। 46 में साथियों का क्या कह रहा है हमें, कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें मालूम है साथियों कौन सा नहीं होगा। लाल सड़न रोग बाजरा में नहीं बल्कि गन्ना में होता है। गन्ने को कभी अगर गांव में होंगे देखे होंगे, गन्ने में होता है ये। तो यही सही है, यही गलत है। तो सही ये सब है, बाकी मिला लीजिएगा। बाजरा में कौन सा रोग होता है, हरित बाली रोग। 147 प्रवास कटिबद्ध सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रवास ये कटिबद्ध सिद्धांत ये किससे संबंधित है साथियों, यह संबंधित है जो है एक वैज्ञानिक थे यहाँ पर, टेलर करके, ये हैं, हाँ यहाँ टेलर। आगे देखें, दूध से दही परिवर्तित करने वाला जीवाणु क्या होते हैं, लैक्टोबैसिलस। और राइजोबियम क्या होते हैं, दलहनी फसलें जो नाइट्रोजन को संग्रहित करती हैं वो हैं, ये होती हैं। आगे देखें 49 में, फेरोमोन्स कीटों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है, जो जुगनू टाइप के जो होते हैं ना, चमकते हैं, वो फेरोमोन्स उत्सर्जित करते हैं, इसीलिए चमकते हैं, अपने विपरीत लिंग वाले जो है साथियों को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये बैसिलस थूरियंसिस एक जीवाणु है, तो ये एक जीवाणु है, तो ये सही है। तो यहाँ हमारा जो इसका उत्तर हो जाएगा 49 का हमारा यहाँ क्या उत्तर होगा साथियों, सी हो जाएगा दोनों। 50 का क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा भारत का विश्व विरासत स्थल भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरास्थल बना है? तो तट मंदिर मामल्लपुरम। तो साथियों हम लोगों ने पूरा इस अपनी 5वीं टेस्ट सीरीज के जो सेकेंड पार्ट था उसको अच्छे से देख लिया। हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी नए प्रैक्टिस टेस्ट के साथ।